फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर इक्वल. सो आर फर्स्ट स्टेप विल बी वी विल ओपन द ब्रैकेट सो इट कम्स इन द डिग्री ऑफ टू विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो वी नो दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल व्हेन डी इज इक्वल टू जीरो. सो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी विल बी जीरो. फॉर बी एंड ए सी यू हैव टू कंपेयर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस व्हेन वी हैव ओपन द ब्रैकेट टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. सो यू विल गेट द बी एंड ए सी. यू हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ बी एंड ए सी इन दिस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो. And by putting the values, you will get the value of p. So calculating this, you will come to know that p will be is equal to 0 or 6. So that's our answer.